किसानों वालों अज पूरे पूरे पंजाब विश्वास जिहड़ा घात वह दिन मनाया जा रहा है। तो लगातार हरेक पंजाब तस्वीर देखी है तो डीसी दफ्तर के मूहरे लगातार यह धरने दिए जा रहे थे। पुत्रे मोदी सरकार के फुके रहे हैं। हालांकि मंग जी सी 15 तरीक तक जो कहा गया कि असी परचे रद्द करांगे तो MSP ते गरंटी जी देनी सी हजे तक जी गल्ला नहीं मनिया गई। तो उस उत्ते देखा जाए तो यह जो रोस प्रदर्शन अच्छ किसानों वालों किया गया तो साढ़े कुछ किसान मौजूद ने किमें देखते विश्वास घात दिवस अच्छे मना रहे हो ये विश्वास घात जो अच्छ असं मना रहे हैं। मोदी सरकार को याद करें कि तुम सूँ टाइम दिता कि MSP ते कमेटी भी बनावे साढ़े तो जोड़े परचे दर्ज अं उन्होंने कैंसल भी करेंगे होर भी जी मंगा से उन्होंने असं ध्यान रखा। पर मोदी सरकार ने इस वास्ते गौर नहीं किया। अज सिर्फ असं एक पुता जला के मोदी सरकार ने एक हिंट दी है कि भाई साहब संयुक्त मोर्चा जो कायम हैगा तुम्हें इन्हें सोचो सिर्फ 4 महीने असं सस्पेंड जरूर किया उठ के आए हैं ये समझ लो कि असं छुट्टी पर आए हैं असं वापस भी आ जाएंगे। तुम ये किसी भुलेखे च ना रहो कि असं खत्म हो गए या नहीं असं बिल्कुल पूरी एनर्जी तैयार खड़े हैं मोदी सरकार को यह जवाब देने लिए। तो इस गल कर रहे हैं कि 4 महीने जो सस्पेंड किया गया लगता हूँ दोबारा मोर्चा उही रंग च लग जूगा जो ना पूरे हो नहीं आ वहम कट दे सरकार उदे नाल भी चढ़ के लगेगा जी वध लगेगा क्यों संयुक्त मोर्चे दियां देखो पहला 14 जथेबंदियां दियां 14 8 अपनी इलेक्शन लड़न लग गई हुण यह 6 रह गए संयुक्त मोर्चे वाले बाकी जथेबंदियां सारियां 22 हो गई कित्थे कहिंदे ते यह 10 है दूए पास इलेक्शन ना लड़ने वालियां 22 हो गई पर कितें ना कितें पाड़ पै गया तो पार तो बाद हुण कट्ठे तो नहीं होंदे। देखो जी मंग कट्ठे वाली तो गल नहीं कट्ठे तो सिर्फ उत्थे झंडे ने करने हैं पहला भी बाबे नानक ने जताया मोर्चा हुण भी बाबे नानक दी कृपा होगी जे यही जी नौबत आ गई दोबारा भी बाबा नानके हाजिर होकर उत्थे करूगा सारियां विच समत बख्शूगा असी फिर दिल्ली दियां बरूहां ते बैठ सकते हैं जब मर्जी। 15 तरीक तक तो जो नोटिफिकेशन पहले दिता गया हुण लंघ गई आ तो अच्छ ही पुतला फूकिया हुण अगे जे कोई जवाब नहीं आता केंद्र सरकार वालों तो वह स्टैप की रहने वाला जिहड़ा संयुक्त मोर्चे की कॉल आऊगी जिस तरह की भी क्यों 450-450 हिंदुस्तान की जथेबंदी है जिहड़ी संयुक्त मोर्चे की कॉल आऊगी असीं उहदे पर पहरा दऊंगे वध चढ़ के पहरां दा हरेक पिंड ते एक एक ट्रैली ती हुण 2-2 कढूंगे जी असीं। तां राजेवाल सिंह वालों लगातार एक पार्टी बनाई गई है हालांकि चोण लड़न की गल की गई सी पर हजे तक चोन निशान जो नहीं मिले कल 31 तरीक है की रहने वाला हूँ ये तो सिर्फ BJP सरकार का साफ फंडा सू समझ ही आ रहा है कि वह चाहती है कि किसान ना लड़े क्योंकि उन्होंने पता जो किसान अगे आएंगे तो इन्होंने अपनी रणनीतियां तैन फिर साडा पिंड पिंड बायकॉट विरोध होगा इस करके डरते हुए चुनाव योग BJP के इशारे से नच रही है करके सानू कोई अजे तक उन्होंने सिंबल लौट नहीं किया। अगर बाय चांस इतने कोई देरी होंगी तो आजाद तो फिर असं लड़ेंगे जी जिहड़े साडे नाल पिंडां चों भाईचारा जुड़िया जुड़िया ही होया पर कितें ना कितें देखिया करो पिछले दिनी 3 मैंबरी कमेटी चुनाव आयोग नूं मिलदी है पंजाब दे पर हजे तक कोई भी गल्लां उन्हां वल्लों इह कहा गया कि जिहड़े पेपर भरे गए सी तां उहदे विच कुछ खामियां ऐसियां रह गईआं सी तां कि जो जिहड़ा चुनाव च नहीं मिल पाया। हालांकि होर देखिया जावे कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी का चोण जदी जो वह अपलाई कर देता उन्होंने लगातार जनरल मिल जाता है हॉकी मिल जाती है बॉल मिल जाती है पर थोड़ी पार्टी ने हजे तक नहीं मिल पाया। सिंपल जी गल है कैप्टन साहब तो इतने BJP के गठजोड़ के लड़ ही रहे हैं उन्होंने तो कोई रोक टोक होनी नहीं वो तो ना भी भर दे कोई उन्होंने तो भी अलर्ट हो जाता यार BJP यार किसी को पता कि यह बंदा साढ़े एंटी है जो साढ़े खिलाफ जा रहा तो उन्हें तो फिर वह विरोध करना ही है तो लगे। बाकी रही गल संयुक्त संघर्ष पार्टी साड़ी चडूनी साहब की पार्टी ने साडा समझौता है अगर पार्टी सानू चुनाव योग नहीं लान करती तो असं कपलेट तो फिर लड़ ही सकते हैं साढ़े ना जो गठजोड़ हैगी है। एक होर पूछना चाहूँगा कि वे ठीक समझते हो इस गल कि चुनाव लड़ने चाहिए से किसानों मेरे हिसाब से तो किसानों इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए ये नाल दो फर्क पे ने कि किसान आपस दो फाड़ हो गए लोग ये समझते तो बिकाऊ हो गए जी जब जब बंदा बिक जाता फिर उन्होंने कोई पुछता नहीं इस करके इन्हों किसानों लड़ने नहीं चाहिए कि एक किसान एक मोर्चा रहेंगे तो अज मोर्चा जित जाए तो मोर्चा तो तुम जित के आए थे पर कितने ना कितने जो गरंटियां रह गई सी वह हजे तक नहीं हुई तो उस दे उन्हें मुहारे तुसी अज पुतला भी फूकिया हुण अगे लगता भी मोर्चा जे अगर गरंटियां नहीं मनिया गई तो मोर्चा दोबारा लग सकता उदा ही म क्योंकि देखा जा रहा क्योंकि जो तक पार्टियां इकट्ठिया सी तो मोर्चा बहुत वधिया चल रहा है हुण पार्टियां दो फार हो गई दोबारा मोर्चा वह लगेगा। मेरे हिसाब से तो जो किसान अंदोलन का मोर्चा जो पहले लग्या सी और जो सानू किसान अंदोलन वाले दोबारा कॉल देंगे तो असी दोबारा जाके दिल्ली की बरूहों पर जाके असी दोबारा फिर मोर्चा लावांगे असी तो चाहते भी दोबारा सानू कॉल दी जाए तो असी दोबारा मोर्चा लाइए जो सानू
केंद्र सरकार ने विश्वास दिता सी वह विश्वास से खरी नहीं उतरी, उसने विश्वासघात किया साढ़े नाल, जो साढ़े मंगा सी वो नहीं मनिया, ना उन्होंने कमेटी बनाई। इस करके सानू ये चाहिए कि असं दोबारा मोर्चा लाइए तो अपनी मंगा मनवा के आईए वापस। बाकी दो तरीक पर शुरू तो ही यह देखे जा रहा है कि जो मोदी सरकार नाल मीटिंग होंदियां पार्टी दियां वह उस टाइम भी नहीं मानते आ रहे, लगातार देखे जाए तो 10 तो 15 मीटिंग पहला होंदियां थोड़ी मन दी कि हाँ थोड़े कानून असं रद्द करा, पर एकदम जिहड़े आ उह रद्द कर दिए जाते हैं कानून, इस गल नूं कीवें देखदे हो क्योंकि पंजाब चोणा सी इह चोणा, हाँ चोणा करके होए सारा, क्यों अपने बंगाल दीआं चोणां इन्हां ने किसान मोर्चे ने हराइआं, इन्हां नूं हुण आही डरता भी यूपी ते जिहड़े 5 स्टेटां में चोणां होणीआं उन्हां विच सानूं बहुत घाटा पऊगा, तां करके इन्हां ने मंगा मन्नीआं। ठीक है गल, बाकी असीं संयुक्त मोर्चा जिहड़ा वोट किसान है असीं किसानां नूं पाऊंगे। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪਰ, ਆਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਕੀਆਂ, 2 ਸਾਲ DC SDM ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੂੰ। ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਲੈ ਲਉਂਗੇ। ਉਹ ਜਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਪ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਵਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਪੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਆਉਂਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੂੰਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁਤਲੇ ਫੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ? ਬਾਈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਰਚਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਵੇਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।